यूजर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आपका वीकेंड अच्छा रहा होगा। तो देखते हैं आज नए हफ्ते में क्रिप्टो मार्केट में क्या न्यूज है। ब्लू चिप एनएफटी सेल्स बढ़ जाती है जब इथेरियम का प्राइस स्टैग्नेट करता है। अगर बात करें एनएफटी प्रोजेक्ट पे जो इथेरियम ब्लॉकचेन पे चल रही है, उनके प्राइस में सर्च देखा गया, वृद्धि देखी गई है, क्योंकि इथेरियम का जो प्राइस है वो स्टैक नोट $1300 पर पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में अगर देखा जाए तो असुजुकी में इंक्रीमेंट 490% का देखा गया है, 550% तक इंक्रीज सेल्स देखी गई है एनएफटी एनालिटिकल प्लेटफॉर्म क्रिप्टो स्लैम पे। इसके अलावा मीबेट्स पे भी 2457% का इंक्रीमेंट देखा है ट्रांजेक्शन में। सेल्स की बात करें तो 472% का इंक्रीज देखने को मिला। युगा लैब्स ओन्ड आईपी क्रिप्टो पंप्स में 300% का इंक्रीज ट्रांजेक्शन देखा गया। तो बेसिकली एनएफटी पिछले 24 घंटों में ट्रेडिंग वॉल्यूम में बढ़ा है और अपने ऑल टाइम हाई से सिग्निफिकेंटली जो डाउन था उसने एक अच्छा सेल्स दिखाया है पिछले 24 घंटों में। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो है आरबीआई डिप्टी गवर्नर की तरफ से। उन्होंने कहा है कि सीबीडीसी कोई भी हो सकती है, बट उसका जो क्रिप्टो डेटा है वो वर्डफुल नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम जो सीबीडीसी है वो अनॉनिमस हो सकती है और उसका जो क्रिप्टो डेटा है वो मिसलीडिंग कर सकता है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है कि क्रिप्टो करेंसी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है उसपे डेटा तो अवेलेबल है बट आइडेंटिटी अवेलेबल नहीं होती है, रिवील नहीं होती है। उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्रिप्टो डेटा को एक लैक ऑफ प्रॉपर रेगुलेशन और गाइडलाइंस की जरूरत है। पात्रा के अकॉर्डिंग डेटा जो अवेलेबल है क्रिप्टो करेंसी से वो मिसलीडिंग है और उससे बहुत सारे रिस्क आने वाले टाइम में देखे जा सकते हैं। फर्दर अगर देखा जाए तो इसमें इनसफिशियंट रेगुलेशन है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जिसकी वजह से इसके डेटा को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और अगर बात करें इंडियन क्रिप्टो रेगुलेशन की तो अभी भी गवर्नमेंट रेगुलेशन को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, किस तरह से इन रेगुलेशन को इम्पोज किया जाए, बैंक के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से डील करना है क्रिप्टो करेंसी के साथ, अभी भी इसका जो विजन है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। आरबीआई अपना सीबीडीसी लेके आ चुका है, फिर भी अगर देखा जाए तो रुपी का जो सर्कुलेशन है आज उसमें इंटरमीडिएटरीज नहीं है। तो बहुत सारी अभी भी ऐसी चीजें हैं जो सीबीटीसी को लेके स्टिल रिमेनिंग बनी हुई हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। एल्गोरॉन ने लॉन्च किया है कॉमेटा प्रोटोकॉल, जो कि जो मेन उनकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम थी उसको दूर करेगा। एल्गोरॉन क्रिप्टो प्रोजेक्ट ने अपना वन ऑफ द प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट कॉमेटा प्रोटोकॉल लेके आया। ये प्रोटोकॉल बेसिकली लिक्विडिटी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको रिजॉल्व करने वाला है। एल्गो जो ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है, सिक्योर, स्केलेबल और डिसेंट्रलाइज्ड है। इसी एडिशन को सपोर्ट करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटीज और एल्गोरिदम बेस्ड प्रूफ ऑफ स्टेक, साथ ही प्रोटोकॉल डिफाइंड अग्रीमेंट है, इन सब पे वर्क किया जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी एल्गोरॉन की चीजों को लेके, इसके लिए से कॉमेटा को लाया गया है। कॉमेटा बेसिकली प्रोजेक्ट को लो कॉस्ट करेगा, सिस्टमिटी लिक्विडिटी लेके आएगा और जो डबल ट्रेडिंग फीस है और जो लॉस प्रोटेक्शन हुआ है टेम्पररी बेस पे, उन सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने वाला है। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशन वे में देखे जाए तो जो डेफी होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, उसमें लिक्विडिटी माइनिंग की जाती है जो कि इनसफिशिएंट होती है। इन सब प्रॉब्लम से इजाद मिलेगी क्योंकि ये स्टेप लिया गया है। आगे आने वाले टाइम में देखा जाएगा इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं और कितना पॉजिटिव नोट पे ये आगे वर्क करेगा। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स कहीं ना कहीं एक हिंट देता है अनदर प्लग को। अगर बात करें हम पॉपुलर इंडेक्स, जो इससे कि पता चलता है कि क्रिप्टो मार्केट में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या चल रहा है, लोगों का माइंडसेट कैसा है, यूजर्स का माइंडसेट कैसा है, होल्डर्स किस तरह की चीजें सोच रहे हैं, तो बेसिकली इस इंडिकेटर से पता चलता है, जिसे डेवलप किया गया था alternative.me में, जिससे बेस्ट पॉसिबल वे में क्रिप्टो मार्केट को समझा जा सकता है। अभी का करंट सिचुएशन अगर देखा जाए तो एक हिंट ये मिल रही है कि आने वाले अपकमिंग इवेंट्स में करंट सिचुएशन से डिफरेंट चीजें देखने को मिल सकती है। ऑफिशियल साइट के अकॉर्डिंग जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो वॉल्यूम दिखा रहा है 26 का, जिससे कि ये मार्क पता चल रहा है कि फियरफुल मार्केट है अभी भी और मोस्ट प्रोबेबली एक्सट्रीम फियर भी हो सकता है अनदर लेवल पे। जितना ज्यादा फियर बढ़ता है उतना ज्यादा लोग अपने क्रिप्टो करेंसीज को सेल करते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, प्राइस डाउन होते हैं क्रिप्टो करेंसी,
हैं, तो कुछ इस तरह का कॉइन्स ऑफ फियर एंड ग्रीड का रिलेशनशिप है बेसिकली। अगर अभी टॉप क्रिप्टो करेंसी की बात कर जाए तो बिटकॉइन 17,159 डॉलर के करीब ट्रेड कर रहा है और लोएस्ट इंट्राडे वॉलेटिलिटी अपना दिखा रहा है पिछले 2 महीनों से। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। 216 बिलियन के शिबा इनू ग्रैब किए गए एक वेल के द्वारा, जिससे कि शिबा के ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी देखी गई। टॉप इथेरियम वेल ने अपने पोर्टफोलियो में करीब 1.43% की मोर शिबा इनू को इंक्लूड किया है, जो कि 216 बिलियन शिबा इनू कॉइन्स हैं। अगर बात करें इन कॉइन्स को एक्युमुलेट करने की तो 5.6 ट्रिलियन के शिबा मूव कराए गए हैं एंड 216 बिलियन शिबा इनू पिछले 24 घंटे में सिर्फ एक इथेरियम वेल के द्वारा अपने पोर्टफोलियो में एड ऑन किए गए हैं। शिबा इनू का एक्युमुलेशन हमने मोस्ट ऑफ द देखा गया है कि वेल्स उन्हें एक्युमुलेट करते हैं, जिससे कि प्राइस में राइज देखने को मिलता है। 5.6 ट्रिलियन शिबा इनू को मूव कराया गया है अकॉर्डिंग टू द डेटा, और बर्निंग रेट की बात करें तो वो भी इस टाइम पे ड्रॉप हो गया है 60% तक। इससे कहीं ना कहीं शिबा इनू के प्राइस पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, आगे आने वाले टाइम में इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके लिए हम आपको अपडेट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे आने वाली खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।